यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मैसेज मुझे कल की डेट में 1:49 पर रिसीव हुआ। आई थिंक आप लोग को भी ये सभी लोग को मैसेज जरूर रिसीव हुआ होगा। चलिए रीड करके मैं आप लोग को मैसेज का पूरा मीनिंग बता देता हूँ। अटेंशन, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 एज पर RBI गाइडलाइंस ऑन ई मैंडेट ऑन कार्ड नॉन कंप्लेंट रिकरिंग ट्रांजेक्शन एट मर्चेंट वेब और अप्लीकेशन ऑन योर HDFC बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड विल बी डिक्लाइन एंड पेमेंट नीड टू बी मेड डायरेक्टली ऑन मर्चेंट वेब और अप्लीकेशन। यानी कि जितने भी प्रकार के नॉन कंप्लेंट रिकरिंग ट्रांजेक्शन है जो कि आप लोग करते हो अपने HDFC बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट अप्लीकेशन या फिर मर्चेंट वेबसाइट के थ्रू, वो सभी 1 अक्टूबर 2021 से डिक्लाइन कर दिए जाएंगे, यानी कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपको ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत है तो आप लोग को डायरेक्टली मर्चेंट वेबसाइट या फिर अप्लीकेशन के थ्रू आप लोग को पेमेंट करने पड़ेंगे। आगे बोला गया है कि हाउएवर मर्चेंट रूटिंग कंप्लेंट रिकरिंग ट्रांजेक्शन विल बी ऑनर्ड बाय द बैंक फॉर ट्रांजेक्शन बिलो 5000 विदाउट OTP एंड मोर देन 5000 विद OTP बाय वे ऑफ अ प्री डेबिट नोटिफिकेशन। यद्यपि ट्रांजेक्शन 5000 रुपये से नीचे का होता है तो वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन विदाउट OTP भी सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अगर वही ट्रांजेक्शन 5000 या फिर 5000 रुपये से ऊपर का होता है तो विदाउट OTP वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले OTP आएगा और OTP फिलअप करने के बाद ही वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर 5000 या फिर 5000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो इसका प्री डेबिट नोटिफिकेशन, यानी कि पैसे डेबिट होने के पहले वहां पे नोटिफिकेशन भी आएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि अल्टरनेटली यू कैन आल्सो पे एंड सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाया स्मार्ट पे इन बिल पे ऑन आवर नेट बैंकिंग। यानी कि जो भी आप लोग बिल पेमेंट या फिर अमेजॉन वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहाँ आप लोग इनके यानी कि HDFC बैंक के नेट बैंकिंग से डायरेक्टली कर सकते हो स्मार्ट पे के थ्रू। तो वहाँ पे आप लोग को कुछ कैशबैक भी दिया जाएगा, साथ ही वहाँ पे आप लोग को ऑटो डेबिट की भी फैसिलिटी दी जा रही है। तो इसके नीचे यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। चलिए मैं जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करते हुए सीधे रीडायरेक्ट करेगा आप लोग को HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ देखिए न्यू RBI गाइडलाइंस ऑन ई मैंडेट ऑटो पे विद इफेक्ट ऑफ 1 अक्टूबर 2021, इसके बारे में पूरा ही डिटेल में जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसको पूरा रीड कर लेना। चलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, इसमें दो ऑप्शन आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे भी देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन 1 में यू कैन मेक द पेमेंट ऑन मर्चेंट वेबसाइट और अप्लीकेशन विद योर HDFC बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन वाया OTP। यानी कि आप लोग किसी भी मर्चेंट वेबसाइट या फिर अप्लीकेशन पे पेमेंट कर सकते हैं अपने HDFC बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से, और वो जो पेमेंट होगा उसको ऑथेंटिकेट करना होगा OTP के थ्रू। यानी कि जो भाई मैसेज में मैंने आप लोग को बताया उसी के, यानी कि 5000 रुपये से नीचे का है तो फिर विदाउट OTP सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन 5000 रुपये से ऊपर का है तो OTP के थ्रू ही वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप लोग इन झंझटों से मुक्ति पाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन 2 में ये बोला गया है यू कैन यूज आवर नेट बैंकिंग पोर्टल टू रजिस्टर योर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, LPG, लैंडलाइन, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल, DTH, ब्रॉडबैंड, इंश्योरेंस, बिलर्स फॉर ऑटो पेमेंट वाया आवर बिल पे सर्विस। अगर आप लोग इन झंझट से मुक्ति पाना चाहते हो तो फिर आप लोग को HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोग ये सारा पेमेंट कर सकते हो, और आप लोग जितने भी प्रकार के बिल पेमेंट करने जो मैं अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फलाना ढिमकाना, इसके अतिरिक्त जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना हो, वो सब सीधे आप लोग HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू इनका जो बिल पेमेंट सर्विस है स्मार्ट पे उसके थ्रू आप लोग कर सकोगे। इसके साथ ही अगर आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी मिल जाएगी, इसके साथ ही आप लोग को कुछ कैशबैक भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाट्स मोर में सब बताया गया, इफ़ यू सेट ऑटो पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाया बिल पे यू कैन गेट 5% कैशबैक मैक्स अप टू 1800 रुपये। यानी कि अगर आप लोग इनके नेट बैंकिंग HDFC बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू जाकर बिल पेमेंट वगैरह करते हो तो फिर वहाँ पे आप लोग को 5% का कैशबैक भी दिया जाएगा। इसका जो मैक्सिमम कैशबैक रहेगा वो करीब 1800 रुपये ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि 12 महीने में आप लोग को मैक्सिमम 1800 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो
यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप लोग को नेट बैंकिंग के थ्रू ही करिए। इसके साथ ही गिफ्ट वाउचर वर्थ अप टू 800, यानी कि आप लोग को साथ में ही 800 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आप लोग जितने भी प्रकार के बिल पेमेंट वगैरह बिल पेमेंट करते हो या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप लोग किसी भी मर्चेंट वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो तो आप लोग सीधे जिस भी बैंक का कस्टमर हो उसके सीधे नेट बैंकिंग के थ्रू करिए, तो वहाँ पर आप लोग को प्रॉफिट भी कुछ दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे नीचे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिस्ट ऑफ मर्चेंट करंटली लाइव विद HDFC बैंक के साथ जितने भी मर्चेंट जुड़े हैं, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, गूगल इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हॉटस्टार, पॉलिसी बाजार, फेसबुक बाजार, एलियंस जनरल इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एंड McAfee, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे FAQs भी कुछ दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पूरा रीड कर लेना जितने भी FAQs हैं। मेरे से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग को बताई दी हैं, सब कुछ अगर आप लोग को बताने जाऊँगा तो वहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी सारे लोग होते हैं वीडियो लंबा होता है तो वीडियो लेंदी हो जाता है, वो देखते नहीं हैं, पहले ही क्लिक नहीं करते, लंबा वीडियो होता है तो पहले ही क्लिक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स ओल्ड प्रोसेस एंड न्यू RBI कंप्लेंट प्रोसेस में पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है, तो इसको भी आप लोग पूरा पढ़ लेना। कि यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ ई मैंडेट एट मर्चेंट साइट, यानी कि पहले आप लोग को कैसे ई मर्चेंट वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता था, पेमेंट करना होता था, सब कुछ डिटेल में बताया गया। इसके साथ ही RBI के नए नियम के आ जाने के हिसाब से कैसे किया है, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप लोग पूरा FAQs आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पूरा रीड कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आप लोग को पूरा ही डिटेल में जानकारी दी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। इसके साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है उनको उनके साथ आप लोग जरूर शेयर कर देना। और अगर आप लोग इसी तरह की बैंकिंग अपडेट नए नए लेना चाहते हो फास्ट, तो आप लोग को चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब टेक्नो बैंकिंग, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।